जब अलेक्जेंडर भारत आया तो उसके गुरु अरिस्टोटल पर्शिया में यानी आज के ईरान में रुक गए। तो अलेक्जेंडर ने कहा मैं भारत जा रहा हूं जो दुनिया का सबसे समृद्ध देश है, गुरुदेव मैं आपके लिए कौन सी ऐसी चीज लेके आऊं। उसके गुरु ने कहा कि तुम हीरे जवाहरात कितनी भी कीमती चीज ले आओ मेरे लिए किसी काम की नहीं है। मैंने सुना है कि वहां कुछ फिलोसफर्स होते हैं, उनमें से अगर कुछ एक लोगों को तुम साथ में ला पाओ शायद उनसे बातचीत करके मेरे ज्ञान की वृद्धि हो सके। मगर जब वो तक्षशिला में आता है और उसके सैनिक आकर कहते हैं आचार्यों से कि आप चलिए, तो जाने से मना कर देते हैं। तो कहते हैं ये विश्व विजेता सिकंदर का आदेश है। तो जानते हो आचार्य क्या जवाब देता है? उसे तुम विश्व विजेता कहते हो जो अपने हृदय में उत्पन्न हुई विश्व विजय की इच्छा से इस कदर पराजित हो गया कि उसने हजारों लाखों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। तो उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं है हम तुम्हें समाप्त कर देंगे। तो उन्होंने कहा मैं तो शरीर हूं ही नहीं, मैं तो आत्मा हूं जिसे न काटा जा सकता है, न नष्ट किया जा सकता है, न जलाया जा सकता। उसे समझ ही में नहीं आया और वो 300 आचार्यों को बंदी बना के ले गया, परंतु उन सबने अन्न जल त्याग कर अपने प्राण त्याग दिए और वो नहीं ले जा पाया क्योंकि ये भारत एक अलग प्रकार का राष्ट्र है